विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की अंतिम तैयारी एवं 22 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह की सफलता के लिए रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीएम ने बारी बारी से संबंधित विभागों से उनके दिए गए दायित्वों के विरुद्ध अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सोमवार की सुबह 8 बजे तक सुल्तानगंज में उपस्थित होने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि वे अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर मौजूद रहे। वहीं सिविल सर्जन को श्रावणी मेला के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सकों की उपस्थिति प्रतिनियुक्त स्थल पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने नगर परिषद को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और जगह जगह डस्टबिन रखने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा डीएम ने सभी विभागों को सुल्तानगंज में अपने एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में रखने का निर्देश दिया, जो अपने विभाग की समस्याओं का निपटारा करेंगे। साथ ही सभी विभागों को अपने अपने कर्मियों को उनके कार्यों की ब्रीफिंग करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं पथ निर्माण विभाग को जगह जगह अपने कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया गया, ताकि कहीं सड़क क्षतिग्रस्त होने पर उसकी सौसमय मरम्मत की जा सके। बैठक में 22 जुलाई के उद्घाटन समारोह की तैयारी की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। बता दें कि कल सोमवार को अपराह्न 1 बजे सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर 84 साल की प्रसिद्ध डाक कृष्णा बम ने रविवार दोपहर सुल्तानगंज के अजगैबी धाम में उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर गंगा जल भरकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी कई भक्त कृष्णा बम के इंतजार में थे। भक्तों ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की। हालांकि इस बार कृष्णा बम को प्रशासनिक सुरक्षा नहीं दी गई, जो कि उन्हें हर साल मुहैया कराई जाती थी। आपको बता दें कि 84 साल की प्रसिद्ध कृष्णा डाक बम 18 घंटे में पैदल यात्रा कर सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचती है। उनकी इस यात्रा में शिव की शक्ति का अनुभव होता है और भक्त उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों का कहना है कि कृष्णा बम के चरण छूने से जीवन में सुख और शांति मिलती है। वहीं कृष्णा बम हर साल अजगैबीनाथ धाम से बैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा कर बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करती है और इस बार भी उनके साथ कई सहयोगी यात्रा को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में सभी पंचायत के प्रतिनिधियों ने नई नियमावली का विरोध करते हुए नियमावली की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुखिया संजीव विधान ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिनिधियों के अधिकार का हनन किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुखिया संजीव विधान ने कहा कि यह नियमावली हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास है, जिसे हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं प्रदर्शन में मुखिया अनिल मंडल, चंदन कुमार, रामानंद सिंह, भरत कुमार, अशोक यादव सहित कई अन्य प्रतिनिधि और वार्ड पार्षद मौजूद थे। इधर सभी प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर सरकार से इस नियमावली को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना था कि यह नियमावली न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करेगी। आह्वान पर आज सभी प्रखंड मुख्यालयों में पंचायत कार्य मैनुअल जो अभी अभी बनाया गया सरकार के द्वारा, उसके विरोध में सभी पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर इस मैनुअल को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये मैनुअल कहीं से भी पंचायत और पंचायत समिति जिला परिषद के हित में नहीं है और इससे पंचायत सफर करने वाला है। जिस तरह मेरी मांग है कि जिस तरह विधानसभा के सदस्यों का, विधान पार्षदों का, माननीय सांसद महोदय के योजनाओं का संचालन होता है, उसी तरह पूर्व की भांति जिस तरह पंचायत अपने कार्य को कर रहा था उस तरह करने दिया जाए और अपनी मनमानी सरकार ना करे। और नहीं तो सरकार के खिलाफ हम लोग एक मुस्त लामबंद होकर सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। पंचायत के विकास पे असर ये पड़ेगा कि हम छोटी छोटी कामों के लिए मुझे टेंडर करना पड़ेगा। पहले 15 लाख से ज़्यादा के योजनाओं को मुझे टेंडर करने का था तो कोई बात नहीं है। अभी हमें 1 रुपया का भी अगर कोई काम मुझे कराना है तो उसके लिए हमको टेंडर करना पड़ेगा और उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग पब्लिक के डिमांड पर कोई काम तुरंत नहीं करवा पाएंगे।
बाल बाल झर रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाली गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। अजगैबी नाथ धाम में श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर शनिवार को बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान नगर परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रावणी मेला में हो रही समस्याओं की जानकारी ली गई। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण किया और वहां गंगा पूजन तथा बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंत्री नितिन नवीन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इस बार श्रावणी मेला में कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। वहीं गंगा घाट से कांवड़िया मार्ग तक पानी, शौचालय, विश्राम स्थल, रैन बसेरा और स्वास्थ्य शिविर की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। कांवड़िया पथ में बालू बिछाई गई है और तेज धूप में पानी का छिड़काव करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस मौके पर कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उपसभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रशासन और अन्य विभाग सब लोगों ने कई चीज़ों की तैयारी की कर रखी है। जो एडिशनल चीज़ें जो मुझे अभी इन लोगों के चर्चा पहले भी जो शादी मेला को लेकर विभाग की तरफ से जो निर्देश आते हैं सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर या अन्य व्यवस्था को लेकर, क्राउड से लेकर बाकी कहीं कहीं पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करते हैं, तो ये जिला प्रशासन और बिहार सरकार के जो अन्य विभाग हैं, शायद उसमें पीएचडी कहिए, टूरिज्म कहिए, नगर विकास विभाग कहिए, ये सब मिलकर कर रहे हैं। पूरा श्रावणी मेला एक अच्छे प्रयास से हो इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें और आवश्यकता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा की बात आई, तो हमने कहा है जिला प्रशासन से कि वो उसका प्रस्ताव हमको दे, वो सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने की आवश्यकता होगी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी, तो नगर विकास विभाग उसको अपने अंतर्गत करा देगा। जहाँ पर यात्री शेड की बात है, तो जहाँ जहाँ पर भी यात्री शेड की आवश्यकता होगी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि रेलवे की ज़मीन पर हमारे पास जो घाट पे है वहाँ पर और आवश्यकता हो सकती है, तो 1000 का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया है, 500 जिला प्रशासन ने बनाया है, तो वहाँ पर 1000 और लोगों का यात्री शेड नगर विकास विभाग के तरफ से भी बन जाएगा। इसकी पूरी चिंता नगर परिषद और जिला प्रशासन मिलकर करेगा। इसके अतिरिक्त भी रास्ते में जो वाटर बिहार में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रतिरोध मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा घंटाघर चौक से लेकर जिला समाहरणालय कचहरी चौक तक भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। बता दें कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन ने एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व राजद नेता और बाल श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चक्रपाणी हिमांशु ने मार्च के दौरान कहा कि राज्य को चलाने में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, अपराध पर हर हाल में नियंत्रण होना चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था की जो हालत बनी है उनके विरोध में पूरा महागठबंधन एकजुट होकर सड़क पर उतरा है और अपना आक्रोश प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए आज इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ने एनडीए सरकार के खिलाफ यह प्रतिरोध मार्च निकाला है। उन्होंने कहा कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की दरभंगा में हुई नृशंस हत्या के बाद से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं।
तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े जारी कर रहे हैं और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को अपने अभियान के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, जो प्रशासन की कथित निष्क्रियता को दर्शाता है। भागलपुर में दो बाइक सवार युवकों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गंभीर हालत में घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया पंचायत के रसीदपुर ग्राम निवासी जाटो मंडल के 22 वर्षीय पुत्र निरंजन मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने फुफेरे भाई शिव कुमार के साथ घोगा से नाथनगर लौट रहा था, उसी दौरान 0 माइल चौक के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में निरंजन मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड और बाइक नंबर से मृतक की पहचान की और घटना की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने निरंजन की हत्या कर फेंक दिया है और इसे सड़क हादसे का रूप दे दिया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।